हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं तुम सबके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा डरावना और चौंकाने वाला है। सच कहूँ तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ फेस करूंगा या मेरे साथ ऐसा कुछ हो भी सकता है। और फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो हो सकता है तुमने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, मगर किसी से शेयर करने की बात आई तो मन में एक सवाल उठता है कि कहीं कोई इसे अंधविश्वास बोल के रिजेक्ट ना कर दे। सो एनीवे फ्रेंड्स, चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। सो ये बात है 2017 की, जब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर मेरे एक दूसरे दोस्त जो उत्तराखंड में रहता है, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहां पर हम उसे विजिट करने गए। हम पूरा दिन घूमते फिरते रहते थे और फिर शाम को घर पे आ जाते थे और काफी मजे में वहां पर वेकेशन गुजर रहा था। लेकिन हम सब ने एक बात को वहां पर नोटिस की, मेरे उस दोस्त के पापा जब भी घर पे आते थे वो बहुत ही परेशान रहते थे, पर किसी की उन्हें पूछने की हिम्मत नहीं होती थी और इसीलिए सब गप चुप सो जाते थे। और फिर अचानक से एक दिन मेरे उस दोस्त ने कहा कि वो सुबह सुबह अपने पापा को लेकर किसी बाबा के पास जा रहा है उनकी परेशानी का जवाब ढूंढने। और अब मैं तो ठहरा साइंटिफिक इंसान, आप लोग जानते ही हो, मैंने तुरंत मन बना लिया कि मैं भी वहां उसके साथ उस बाबा के पास जाऊंगा और देखूंगा कि ऐसा क्या करने वाले हैं बाबा जी कि मेरे दोस्त के पिताजी के सारे दुख मिट जाए। सो हम वहां पर पहुंचे, बाबा ने सारे सवाल पूछे और नीचे कुछ तो भी एक बोर्ड सा पड़ा हुआ था बीच में, उसमें देख के उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सुन के मेरे दोस्त और उसके घर वाले चौंक गए, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। कुछ वैसा दृश्य वहां देखने को मिला। लिटरली आंटी तो सुनते ही जमीन पर गिरकर रोने लगी और ये सब देखकर मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई आखिर चल क्या रहा है। बाबा ने सिर्फ अंकल को कहा कि उनकी पहली बीवी जो घूम गई है, जिन्हें बहुत ढूंढा गया कुछ 2 या 3 महीनों तक, पर वो उन्हें नहीं मिली क्योंकि वो कहीं दफन हो चुकी है और उसकी आत्मा अब इनके सर पे आके शनि बनकर मंडरा रही है। पर सवाल ये है कि इसमें शॉकिंग क्या था, मैं ये सोच रहा था। फिर बाद में मुझे ये पता चला कि अंकल की दूसरी शादी हुई है, ये घर में किसी को भी पता नहीं था, ना तो मेरे दोस्त को और ना उसकी माँ को। मतलब समझ रहे हो, अंकल एक तरीके से काफी नॉटी निकले। वेल एनीवे, ये तो बात हुई स्टोरी की, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो बाबा को कैसे पता चला कि उनकी एक बीवी रह चुकी है और वो मर चुकी है। इसके पीछे का साइंस जानने के लिए एक तरीके से मैंने पूरा गूगल चार्ट डाला और इसके लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, पामिस्ट्री सीख ली और तो और मैंने टैरोट कार्ड रीडिंग तक सीख ली। और ये सब जानने के बाद मुझे पता चला कि उस बाबा को आखिर इस राज के बारे में कैसा पता चला होगा। वेल लेकिन तुम्हें मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रुकना होगा कि मैं अब जब इतना सब कुछ सीख चुका हूं तो मैं वो सभी चीजें तुम पर आजमाना चाहूंगा। मैं तुम सभी का, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, सबका फ्यूचर बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस कैमरा के लेंस के थ्रू। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री टैरोट कार्ड रीडिंग। क्या स्टार्ट करते हैं पहले, चलो टैरोट कार्ड रीडिंग से ही शुरुआत करते हैं। हुश, तुम सभी को अभी स्क्रीन पर 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे, तुम्हारी मर्जी, जो चूज करना है कर लो। अब अपने चूज किए हुए कार्ड पर एक उंगली रखो, मजाक नहीं है, उंगली तो रखनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हारी एनर्जी यहां तक कैसे फील कर पाऊंगा, और फिर गलत चीज बताया तुम्हारे बारे में तो बोलना मत। तो चलो उंगली रखो और तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ खास चीज पता चलने वाली है। वेल हो गया, सो अब दिल थाम के रखना कि अब मैं एक एक करके कार्ड्स को पलटने वाला हूं। रेडी हो, खुश, चलो देखते हैं क्या लिखा है। आहा, तुम सभी बाहर से दिखने में कंपोज्ड और कंट्रोल्ड दिखते हो मगर अंदर से तुम हमेशा किसी एक चीज की चिंता में रहते हो। वेल चलो अब दूसरे कार्ड को पलटाया जाए। ओहो, ये सब तो उनके अंदर टैलेंट भर भर के बैठे हैं। लेट्स रीड द कार्ड। वेल ये कार्ड चूज करने वाले लोगों के अंदर भर भर के पोटेंशियल है कोई भी चीज करने का, बस सिर्फ इनका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। आपका माइंड थोड़ा सा स्थिर नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी खुद की क्षमता को पूरी तरीके से नहीं जान पाते हो। सो वेल, अब क्या बोलते हो, आखिरी कार्ड खोला जाए। ओके, सो ये लोग थोड़े से सीरियस है और इनमें थोड़ी पर्सनैलिटी वीकनेसेस है, पर इनके पास उसे छुपाने का या फिर उसे ओवरकम करने के अच्छे अच्छे जुगाड़ है। क्यों, सच कहा ना आपके बारे में और उन सभी के बारे में जिन्होंने एक एक कार्ड को चूज किया था। और अगर मेरा जवाब सही निकला तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना, और अगर ये जवाब गलत निकला तो डेफिनेटली आपने उंगली स्क्रीन पर नहीं डाली हो। और अब फ्रेंड्स, अगर तुम अपने बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो रुके रहो क्योंकि मैं पामिस्ट्री भी तुम पर आजमाने वाला हूँ, यानी मैं साक्षात तुम्हारे हाथों की लकीरों को पढ़ के बता दूंगा तुम्हारे बारे में। पर इसके पहले आइए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का
इतिहास जान लेते हैं। आखिर ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और उसके पीछे क्या साइंस है वो भी समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार एस्ट्रोलॉजी आज से 2400 ईयर्स पहले शुरू हुई थी एक सिटी में जिसका नाम था बेबीलोन, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को बेबीलोनियंस कहते थे। और वो लोग बच्चों के जन्म होते ही रात में स्टार्स के कॉन्स्टेलेशन के पोजीशन को देखकर बच्चों के बारे में सारी चीजें बता देते थे 2400 ईयर्स पहले। पर यहाँ पर अब एक सवाल ये आता है कि ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को पता कैसे चला। वेल दोस्तों, ये बात है 1999 की, जब एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम क्रोएशिया के समुद्री तट पर पाई गई एक गुफा में खुदाई कर रहे थे। और खुदाई के टाइम पे वो लोग कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुफा तो समुद्री तट के काफी नजदीक थी, तो उनका मानना ये था कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें पुरानी मछलियां या कंकाल वगैरह कुछ मिलेंगे। पर खुदाई के समय वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो लोग एक पत्थर को नहीं बल्कि एक सुरंग के दरवाजे को खोद रहे थे जो 2000 साल से कभी खुला नहीं था। और फिर जैसे ही उस सुरंग का मुंह खुला, सभी चौंक से गए, क्योंकि वो रास्ता अब उन्हें आगे कहां पर लेके जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। क्या पता अंदर सांप भरे हो सकते हैं, या फिर कोई विशाल सा वैशीला सा कीड़ा, या फिर पॉइजनस गैस भरा हो सकता था। पर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और एक एक करके अंदर जाने लगे। वो सुरंग कुछ 33 फीट गहरी थी और सुरंग के खत्म होते ही वो लोग पहुंच गए एक बड़ी सी गुफा में। और अंदर ज्यादा कुछ नहीं, आइवरी के कुछ पीसेस, चेयर्स, ग्लासेस पड़े हुए थे। और ग्लासेस और चेयर को देखकर ये पता चलता है कि पहले के लोग इस गुफा में आके मचाते होंगे। पर आइवरी के पीसेस वहां पर क्यों थे ये समझने के लिए उन्हें पूरे 4 साल लग गए। जब सारे आइवरी पीसेस मिले गए और उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो उस पे कैंसर, जेमिनी और पाइसेस का निशान बना हुआ था। और फिर जाके ये समझ आया कि वो लोग उस गुफा में मचाने के लिए नहीं बल्कि राशिफल देखने के लिए आते थे। और फिर जब कार्बन डेटिंग करके उन सारी चीजों की एज देखी गई तो पता चला वो सब पिछले 2000 साल से वहीं पर मौजूद थे। और इसी के वजह से हमें फाइनली ये समझा कि एस्ट्रोलॉजी आखिर शुरू कब से हुआ। और हम ह्यूमंस फिर है ही सोशल एनिमल्स, और इसीलिए ये सोसाइटी में बहुत ही तेजी से फैलने लग गया। बेबीलोन से इजिप्ट और फिर पूरे वर्ल्ड में जैसे जैसे ये फैला इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते भी गए। और फिर फाइनली अगर आप आज के समय में इसे देखोगे तो आपको समझेगा कि इन सारे ज़ोडियक साइंस को एक सर्कल में 30 डिग्रीज अपार्ट अरेंज कर दिया है। और ये लोग सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर और नेपच्यून का इस्तेमाल करते हैं आपका राशिफल जानने के लिए। अब भाई साइंस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? क्योंकि सिर्फ ग्रह और सितारों की मदद से आपका भविष्य जाना जा सकता है। ये कुछ थोड़ा सा एडवांस साइंस लग रहा है जिसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। बट पहले लेट मी कम बैक टू दी ओल्ड प्रॉमिस, चलिए आजमाते हैं थोड़ा पामिस्ट्री। आई एम श्योर हिस्ट्री के बारे में जान के आप भी थोड़ा बोर हो गए हो, तो चलो फिर बॉयज ले आओ अपना लेफ्ट हैंड आगे और गर्ल्स अपना राइट हैंड आगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे लव लाइफ के बारे में बताऊंगा। अब जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुम सबकी हथेली में ये 4 लाइन तो हो गई। चाहे टॉप वाली लाइन का नाम है दी हार्ट लाइन, और फिर ये सेकंड वाली लाइन का नाम है दी हेड लाइन, थर्ड का नाम है दी लाइफ लाइन, लास्ट वाले का यानी फोर्थ वाले का नाम है दी फेट यानी नसीब की लाइन। और अगर तुम लोगों में से कोई भी एक ऐसा है जिसके पास इन चारों में से कोई एक लाइन नहीं है तो टेंशन मत लो यार, उल्टा मौज बनाओ, क्योंकि ये लाइन डिसाइड करती है कि आपके साथ आगे भविष्य में क्या होने वाला है। और अगर वो लाइन तुम्हारे हाथ में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारे साथ सब सही होगा बाय डिफॉल्ट। अब चलो अपने अपने हार्ट वाली लाइन पे जरा नजर डालो। अगर ये ऐसी लंबी और गहरी है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने प्यार को लेकर बहुत ही पजेसिव हो, या फिर तुम्हारा दिल कोई भी बहुत ही जल्दी दुखा सकता है, पर तुम अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना भी जानते हो। बट अगर आपकी हार्ट लाइन कुछ ऐसी छोटू सी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इमोशनल ट्रॉमा में रहते हो और अपने इमोशंस को बहुत जल्दी से एक्सप्रेस कर लेते हो, पर रोमांस में तुम्हें काफी इंटरेस्ट लगता है। देखा, बता दिया ना तुम्हें तुम्हारी लव लाइफ के बारे में। बट व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं कि ये सब तुम भी कर सकते हो और वो भी बिना कुछ सीखे। तो वेल जाना ही चाहते हो उसके पीछे का कॉम्प्लिकेटेड साइंस, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। सो गाइस जरा गौर से सुनना, अगर अच्छे से नहीं सुना तो आप मिस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके पीछे का साइंस ये है कि इसके पीछे कोई साइंस ही नहीं है और ना कोई लॉजिक। तो ये सब क्या था जो मैं कर रहा था? वेल, ये कुछ नहीं था
बल्कि इसे कहते हैं दी बार्नम स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जो तुम्हारे लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं और इनका आंसर तुम कभी भी हाँ में ही दोगे। फॉर एग्जाम्पल ये सुनो, तुम सब में भर भर के पोटेंशियल है कुछ भी कर पाने का, बस सिर्फ तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकते रहता है और इस वजह से तुम खुद की क्षमता नहीं जान पाते हो। इस स्टेटमेंट को कोई भी कहीं भी कभी भी सुनेगा, इसका जवाब हाँ ही देगा। सारे टैरोट कार्ड रीडर्स जो तुम्हें कुछ भी बताते हैं वो ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और चाहिए तो अभी जाके तुम अपना राशि भविष्य पेपर में जाके देखो या फिर ऑनलाइन सर्च कर लो, वो लोग भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स देंगे तुम्हें और फिर हम लोग इसे सच मान लेते हैं। याद तक कि कुछ साइंटिस्ट ने एस्ट्रोलॉजर्स को पूछा भी कि जो स्टेटमेंट्स तुमने बताए हैं फ्यूचर के बारे में ये सच होगा, इसकी क्या गारंटी तुम देते हो? और तब सारे एस्ट्रोलॉजर्स यही कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सच हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं दिया जा सकता है। और तो और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जाने तो हमें ये पता चलता है कि ये उस टाइम पे डिस्कवर हुआ था जब ही सिर्फ 4 ग्रह ही डिस्कवर हुए थे और बाकी के ग्रहों के बारे में हमें पता नहीं था, बस सिर्फ मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर और नेपच्यून, और सिर्फ 12 ही स्टार्स के कॉन्स्टेलेशंस के बारे में हमें पता था। और सिर्फ इन्हीं ग्रहों और सितारों का इस्तेमाल आज एस्ट्रोलॉजी में होता है। पर अगर हम आज की बात करें तो आज 8 ग्रह हैं और 88 स्टार कॉन्स्टेलेशंस भी। ये लोग लगता है अपना सिस्टम अपडेट करना भूल गए क्योंकि ये सारे ग्रहों का भी तो हम पर प्रभाव होता रहेगा। और अब अगर आप इनके वो डायग्राम पे नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जोडियक साइंस एक सर्कल में 30 डिग्रीज अपार्ट है, पर अगर उन स्टार कॉन्स्टेलेशंस पर नजर डाले तो वो सारे हर रोज 7 डिग्री से लेके 44 डिग्रीज तक मूव होते हैं और ये लोगों ने एक सर्कल में फिक्स कर दिया है उन्हें। और कुछ नहीं तो ये लोग बोलेंगे दान करो अच्छा होगा आपके साथ। और इसमें क्या रॉकेट साइंस हुआ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही बोलता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बेसिक साइंस, राइट? बट नहीं, ये लोग जब तक ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। और हमारी बराबर की काटने के लिए ये लोग ने तो न्यूज चैनल पर अपना एक स्लॉट भी लेके रखा होता है एकदम आफ्टरनून प्राइम टाइम पे और लोग इनके शो के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब एनीवे, अगर बात करें पामिस्ट्री की तो इसके पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी भी पेज को आप फोल्ड करोगे तो वो पेज जहां से फोल्ड हुआ वहां पे क्रीज बन जाती है, जैसे आप यहां देख सकते हो। और वैसा ही सेम हमारी हथेलियों के साथ भी होता है। अपनी उंगलियां यहां वहां हिला के देखो या फिर अपने हाथों को फोल्ड करके देखो, जहां जहां ये लाइंस बनी हुई है वहीं से सिर्फ आपकी स्किन फोल्ड होगी और कहीं से नहीं। ये होता है इन लाइंस का पर्पस। प्रेडिक्शन की बात करें तो ये लोग भी सिर्फ बार्नम स्टेटमेंट्स के बल पर ही ऑपरेट करते हैं। और एक दूसरा माइंड गेम भी होता है हमारे साथ जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ कंफर्मेशन बायस। याने तुम पहले से ही उस बाबा में इतना विश्वास करके रखोगे कि जो भी वो बाबा बोलेंगे तुम्हारा दिमाग एक तरीके से तुम्हें ट्रिक करेगा कि तुम वो बात को सच मानो। तुम उनके बोले गए बातों में सच्चाई के पैटर्न्स ढूंढने लगोगे और तुम्हारा दिमाग चाहेगा कि वो सच्चाई तुम्हें दिखे और इसीलिए वो सच्चाई तुम्हें दिखेगी जो किसी और को नहीं दिखेगी। अगर उस बाबा ने तुम्हें कहा कि तुम्हारा किसी अपने से झगड़ा होने वाला है और फिर अगर तुम्हारा झगड़ा किसी व्हाट्सएप वाले दूर के दोस्त के साथ भी होता है जो कि अक्सर होते रहता है, तो तुम उस बाबा की कही हुई बात से डायरेक्टली रिलेट करोगे और तुम्हारा विश्वास उस बाबा पर बढ़ता ही जाएगा। पर फिर फ्रेंड्स, मेरी वो वाली स्टोरी का क्या जिसमें ना कोई एस्ट्रोलॉजी था ना कोई पामिस्ट्री थी, फिर भी उस बाबा को कैसे पता चल गया पास्ट के बारे में? टर्न्स आउट उस अंकल के भाई ने पहले ही जाके उस एस्ट्रोलॉजर को बता दिया था और ये चीज मुझे बाद में मालूम पड़ा मेरे ही दोस्त से। और अंत में फ्रेंड्स, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये बाबाओं के पास कोई सबूत नहीं होता और कभी भी ये अपना कोई भी बयान साइंटिफिकली प्रूफ करके नहीं बता पाए। आज एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक धंधा बन के रह चुका है जो करोड़ों का बिजनेस हो गया है और ये सिर्फ कुछ गिने चुने स्किल्स पे ऑपरेट करता है, जो स्किल्स के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। जितना अच्छा आपके साइकोलॉजिकल स्किल्स और आपका रिसर्च, उतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप हो, लेकिन इसका प्रिडिक्शन से और आपकी जिंदगी में कुछ मैजिकल सच्चाई बताने से कोई वास्ता नहीं होता। So, अब है लोग, अब आ रही है आपकी मुझे बताने की कि मेरे प्रेडिक्शंस आपकी लाइफ के बारे में कितने सच निकले और क्या ये बार्नम स्टेटमेंट्स तुम्हारे लाइफ के लिए भी सच साबित हुए। अगर जवाब है yes, then comment down below and let me know। और आगे ही ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो एक लाइक जरूर ठोकना और अगर आपके पास कोई ऐसा ही किस्सा है हमारे साथ शेयर करने के लिए तो वो भी नीचे कॉमेंट में शेयर करना। क्या वो कोई चमत्कार था या फिर उसके पीछे कोई रीजन रहा है।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल के साथ साइंस को अभी सब्सक्राइब कर लो और बढ़ते हैं आगे इंडिया से अंधविश्वास निकालने की सफर में। See you in another video. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।